ಹಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾನಿ ನೋಡ್ದ, ತಿಂದವನ ಬೆನ್ನ ಮೂಳೆ ಮುರ್ದ, ಹಿಟ್ಟು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರು. गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की नई रिलीज फिल्म क्रांति के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के बारे में. दोस्तों बात करें फिल्म क्रांति के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 की, तो फिल्म ने अपने संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 11 के अंदर शानदार कलेक्शंस किया है. फिल्म के डे 11 कलेक्शंस की बात करें, फिल्म ने डे 11 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 1.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शंस किया है. इसी के साथ फिल्म क्रांति का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 53.55 करोड़ का टोटल ग्रॉस कलेक्शंस हो चुका है. फिल्म क्रांति के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 16 के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर अपने 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है. दोस्तों दर्शन स्टार फिल्म क्रांति की बात करें तो फिल्म में आपको एक्टर दर्शन का वन मैन शो देखने को मिलेगा. फिल्म फुल ऑन एक्शन फिल्म है. दोस्तों फिल्म क्रांति की जिस तरीके से कमाई हुई है बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट है. तो ब्लॉकबस्टर फिल्म क्रांति को अगर आपने मिस की है तो नजदीकी थिएटर में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं. चलिए दोस्तों बात करते हैं विजय सेतुपति, संदीप किशन एंड वरलक्ष्मी शरद कुमार स्टार ऑफ फिल्म माइकल के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में. दोस्तों बात करें फिल्म माइकल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की, तो फिल्म माइकल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर भी शानदार कलेक्शंस देखने को मिला है. फिल्म माइकल के संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की बात करें तो फिल्म माइकल ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर 3.95 करोड़ का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस किया है. इसी के साथ फिल्म माइकल का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 12.09 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है. फिल्म माइकल के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 10 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शंस कर रही. फिल्म की बात कर ले तो फिल्म माइकल एक रोमांटिक एक्शन ड्रामा फिल्म है. फिल्म में आपको पहली बार विजय सेतुपति और संदीप किशन की जोड़ी का डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. फिल्म में विजय सेतुपति दमदार गैंगस्टर की भूमिका निभाई है, तो वहीं दूसरी तरफ संदीप किशन माइकल की भूमिका निभा रहे हैं. फिल्म का डायरेक्शन रंजीत जयकोड़ी ने किया है. फिल्म माइकल को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम एंड कनाडा लैंग्वेज में रिलीज किया गया है. दोस्तों तमिल तेलुगु फिल्म माइकल अगर आपने मिस की तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं. चलिए दोस्तों बात करते हैं आशीष विद्यार्थी, रोहिणी, टीना शिल्पाराज एंड सुहास स्टार ऑफ फिल्म राइटर पद्मभूषण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में. दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म राइटर पद्मभूषण का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई चल रही है. फिल्म राइटर पद्मभूषण के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 की बात करें तो फिल्म ने अपने संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 2.25 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शंस किया है. इसी के साथ फिल्म राइटर पद्मभूषण का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 4.91 करोड़ की टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कमाई हो चुकी है. फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म राइटर पद्मभूषण को ओनली 6 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है और फिल्म को अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर काफी बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिला है. फिल्म को वर्ल्ड वाइड हिट होने के लिए 12 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा. राइटर पद्मभूषण की बात करें तो फिल्म एक फैमिली ड्रामा फिल्म है. फिल्म को सन्मुखा प्रसाद द्वारा डायरेक्ट किया गया है. तेलुगु फैमिली ड्रामा फिल्म राइटर पद्मभूषण को अगर आपने मिस की है तो नजदीकी थिएटर्स में जाकर इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं. तो दोस्तों ये था लेखा जो का हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का. पोस्ट पसंद आए तो लाइक करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया.